लैंप की इस श्रृंखला के बढ़ते हुए क्रम में आज हम लोग क्यूब ऑक्टा हेडर लैंप बनाने जा रहे हैं। तो दिवाली के इस पावन अवसर पे हम लोग अपने घर को सजाने के लिए जो दिवाली कंडिल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो दिवाली कंडिल की जो आकृति है वो आकृति सेम इस लैंप की आकृति जैसी है। तो इस दिवाली अपने घर को सजाने के लिए आप इन लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस लैंप का बनाने के लिए जो आपको टेम्पलेट की आवश्यकता पड़ेगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो हम लोगों ने ये लैंप बनाया है ये बड़ा ही मजेदार लैंप है, क्योंकि इसकी आकृति और जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दो आकृति से बन सकती है, एक क्यूब और दूसरा ऑक्टाहेड्रन। क्यूब ऑक्टाहेड्रन जो है वो क्यूब और ऑक्टाहेड्रन का ड्यूल है। तो चलिए देखते हैं। तो क्यूब की एक वर्टेक्स पे अगर मैं तिरछा कट लगाता हूँ और वो क्यूब की साइड के आधे तक, तो मुझे क्यूब के फेस पे जो शेप मिलेगी वो स्क्वायर होगी, और उसकी वर्टेक्स पे जो शेप मिलेगी वो एक त्रिभुज होगी। उसी तरीके से अगर ऑक्टाहेड्रन की वर्टेक्स पे मैं कट लगाता हूँ और ऑक्टाहेड्रन की साइड के आधे तक, तो ऑक्टाहेड्रन की वर्टेक्स पे जो शेप मिलेगी वो एक स्क्वायर होगी, और इसके ट्रायंगल्स पे जो फेस पे जो शेप आएगी वो भी एक ट्रायंगल होगी, और इन दोनों से जो हमारे पास शेप आती है वो क्यूब ऑक्टाहेड्रन ही होती है। क्यूब ऑक्टाहेड्रन जो स्ट्रक्चर है वो बाकी सारे लैंपों के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि क्यूब ऑक्टाहेड्रन की अगर सारी वर्टेक्स को मिला के अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूँ तो उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो बिल्कुल इस पॉलीगन की साइड के इक्वल होगी। तो कैसे, मेरे पास एक डंडी है, उस डंडी को मैं इस क्यूब ऑक्टाहेड्रन के अंदर अगर डालूं, तो आप ये देखेंगे ये जो डंडी इस तरफ से जो बाहर निकल रही है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई इसके ऊपर जो स्फीयर बना है उसका डायमीटर है। चलिए तो मैं इसको मार्क भी कर देता हूं जिससे हम आसानी से नाप भी पाएंगे। तो अभी जो हमको लंबाई मिली वो इस क्यूब ऑक्टाहेड्रन के ऊपर जो हमने स्फीयर बनाया उसका डायमीटर, और मैंने ये छोटी सी डंडी ली जिससे हम लोग ये नाप सकते हैं कि ये जो डंडी की लंबाई है वो इस क्यूब ऑक्टाहेड्रन के पॉलीगन की लंबाई के बराबर है। तो अब इसी डंडी को अगर मैं इसके ऊपर रखूं, और ऊपर रखने के बाद आप हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो डंडी है वो इस डंडी को दो बराबर बराबर भागों में बांट, तो जिससे हमें ये पता चलता है स्फीयर की जो रेडियस है वो इस पॉलीगन की साइड्स के बिल्कुल बराबर है। तो इस दिवाली हम लोग अपने घरों में दिवाली कंडिल की जगह क्यूब ऑक्टाहेड्रन लैंप को जलाकर अपने घरों को और प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद।